आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी टैंगी सॉसी क्रीमी पास्ता। ये फ्यूज़न पास्ता है जिसकी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपका भी मन कर रहा है कि इसको खाने के लिए मिल जाए तो चलिए ज़रा देखें कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त रेनू सिंघल। कुकिंग विद रेनू एंड चिची में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस फ्यूज़न पास्ता को बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। एक पैन मैंने यहाँ गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम किया है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 6 लाल मिर्चें हैं, इनमें से 2 मैंने बीज के साथ रखी हैं और 4 को खोखला कर लिया है, मतलब बीज निकाल दिया है। ये आप अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं। आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं, कितना कम मिर्च का खाना पसंद करते हैं। इसको 1 मिनट के लिए सौते करेंगे, थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा। यहाँ मैंने लगभग 8 टमाटर काट के रखे हैं, इनको भी इसके साथ मिक्स कर देना है और इनको भी हमें सौते करना है क्योंकि टमाटर हमें अभी पकाने हैं सॉफ्ट करने के लिए। यहाँ मैंने 1 छोटा कप पानी ऐड किया है और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, 10 से 12 पत्ते हैं, मैं इनको ऐड करूँगी। इनको ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरी श्यामा तुलसी के पत्ते हैं, आप चाहें तो कोई से भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, इनको हमें ढक के पूरे 15 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने ढक दिया है, 15 मिनट बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसको ठंडा करना है और ठंडा करके इसकी प्यूरी हमें तैयार कर लेनी है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपना पास्ता बॉईल करेंगे। मैंने ऑलरेडी पानी गरम कर लिया था, इसमें मैं 5 से 6 टीस्पून जो है ऑलिव ऑयल मिला रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के नमक डाला है क्योंकि पास्ता को जब हम निकालेंगे तो ये पानी तो ड्रेन हो जाएगा। अब मैंने इसमें एक स्ट्रेनर डाल दिया है और 250 ग्राम पास्ता का पैकेट मैंने खोल के यहाँ पर डाला है। ये देखिए अच्छे से पक गया है, इसको 6 से 7 मिनट हो गए हैं पकते पकते। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। चाकू की बैक साइड से आप इसको काटने की कोशिश करें, अगर ये आराम से कट जाता है इसका मतलब ये परफेक्टली बॉयल हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करेंगे। अब हमने ग्रेवी इसकी दोबारा से तैयार करने के लिए पैन ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल एंड जो हमने प्यूरे तैयार किया था वो प्यूरे इसमें डाल दिया है। अब इस प्यूरे को हमें थोड़ा सा पकाना है। एक बार उबाल आने पे गैस को हम बिल्कुल स्लो कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें डालनी हैं। स्वाद के अनुसार यहाँ नमक ऐड करें क्योंकि नमक 3 बार डल गया है। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाली है, 2 टीस्पून में यहाँ पर ऑरिगेनो डाल रही हूँ। ऑरिगेनो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाला भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्स हर्ब वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टमाटो केचप, ये भी अपने टेस्ट के अनुसार डालना है, मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 टीस्पून डाला है। ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तो आप टेस्ट करें। अब यहाँ पर मैं 3 टीस्पून के आसपास मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ। इनका कोई ऐसा परफेक्ट नाप नहीं है, अगर थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए टमाटो केचप मैंने थोड़ा सा और डाला है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम स्लाइस वाला चीज़ डाल रही हूँ, अभी मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं 2 स्लाइस पूरे पूरे डाल रही हूँ। आप ग्रेट करने वाला चीज़ अमूल का चीज़ ले सकते हैं, मोजरेला ले सकते हैं। अब इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जब ये बहुत अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ तो आप इसको एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 टीस्पून क्रीम यूज़ की है अमूल की, इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिला लेना है यहाँ पर। ये देखिए कितना क्रीमी सॉसी टैंगी हमारा मतलब पास्ता तैयार हो रहा है। अब ये बॉइल्ड पास्ता इसमें हम मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। बॉइल्ड पास्ता ऐड हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए देखने में कितना क्रीमी लग रहा है, कितनी बढ़िया इसकी सॉस लग रही है। अब इसको हमें ढक देना है 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकने देंगे हम।
ताकि सारे फ्लेवर ऐड हो जाएं। 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं, हमने इसको खोल लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि हाँ ये कैसा हो गया है। इसके जो पैनी पास्ता का ये जो पाइप शेप होता है, ये सारी सॉस इस पाइप के अंदर तक चली गई है। इतना टेस्टी, इतना यम्मी, इतना डिलीशियस है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इसका टेस्ट कैसा है। तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद बनाओगे, बट इतनी गारंटी है कि इसको देखकर आपके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। तो सो दोस्तों, आज मैंने आपको बनाकर दिखाया फ्यूज़न पास्ता, रेड सॉस, टेंगी क्रीमी सॉसी पास्ता। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।